हेलो गाइस, इस लेक्चर में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इससे आपको जो ट्रेन का मेजर कंसेप्ट है या फिर अगर आपको कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इन सारे क्वेश्चन के साथ साथ। और दूसरी चीज़ आपको ये पता लग जाएगा कि हम ट्री के क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं, क्योंकि ट्री मैंने आपको पहले भी बताया था जो ट्री की कोडिंग है मेजर उसमें रिकर्शन वाला पार्ट चलेगा। और अभी आप देखोगे जितने क्वेश्चन मैं अब से करवाऊंगा आने वाले एक दो लेक्चर में उन सब में रिकर्शन का ही मेन पार्ट है। मतलब अगर आपने रिकर्शन वाली चीज़ समझ ली तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो वह क्वेश्चन है पहला, फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। आपको एक बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करनी है कि उसमें नोड्स कितनी होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज गाइस यहाँ पे बाइनरी ट्री है और मैं बोलता हूँ आपको इसमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट करनी है। आपको बताएं यहाँ पे सेवन नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो गाइस कैसे काउंट करेंगे आप एक बार बताओ। अगर मैं इस नोड पर हूं और मैं मुझे नोड्स काउंट करनी है बेसिकली, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, जितनी नंबर ऑफ नोड्स लेफ्ट सब ट्री में है वो प्लस जितनी नंबर ऑफ नोड्स आपकी राइट सब ट्री में है उन्हें काउंट कर लो और जितनी लेफ्ट सब ट्री में दोनों को काउंट कर लो, दोनों को प्लस कर दो। मतलब नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री प्लस नोड्स इन राइट सब ट्री। ठीक है, आप बोलोगे ये हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, बट गाइस एक बार बताओ जब मैं इस नोड पर हूं मैंने इस नोड के लेफ्ट में देखा कितनी नोड्स हैं, 1 2 3 और यहां पे देखा 1 2 3, 3 + 3 का 6 आया, बल्कि ट्री में टोटल 7 नोड्स हैं। वो एक नोड गई कहां पे गाइस, वो एक नोड है बेसिकली रूट नोड, क्योंकि मैंने इसको ऐड नहीं करा, मैंने सिंपल इसके जितने लेफ्ट सब ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं उनको काउंट कर लिया प्लस टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन राइट सब ट्री काउंट करा, दोनों को ऐड कर दिया और मुझे फिर इन दोनों के साथ प्लस वन भी करना होगा इस नोड को ऐड करने के लिए। ठीक है गाइस, सिंपल इतना सा प्रोग्राम है इसका, भी कह सकते हो बस इतना सा मेन रिकर्शन और फंक्शन वाला पार्ट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि मैंने कैसे नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री प्लस नोड्स इन राइट सब ट्री प्लस वन क्यों लिखा है, तो आपको एक प्रोग्राम बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक फंक्शन बना लिया काउंट नोड्स नाम से और मैंने उसमें ट्री का रूट नोड पास कर दिया। ठीक है, मैं पहले क्या करूँगा भाई, पहले चेक करूँगा कि आपका ट्री नल तो नहीं है। अगर ट्री नल होगा तो मैं वहीं सिंपल रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि अगर ट्री नल है तो इसका मतलब रिटर्न जीरो, कोई नंबर ऑफ नोड्स नहीं है, जीरो नोड्स है। और गाइस अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल 1 + काउंट नोड्स ऑफ टी का लेफ्ट, मतलब इससे क्या होगा रिकर्सिव कॉल करेगा अपने लेफ्ट वाले ट्री पर और बाद में जाके टोटल नंबर ऑफ नोड्स को वहां से ऐड कर देगा। तो मैंने क्या लिखा, 1 + काउंट नोड्स ऑफ टी ऑफ लेफ्ट प्लस काउंट नोड्स ऑफ टी ऑफ राइट, बस गाइस आपका इतना सा है ये इसका फंक्शन बोल सकते हो। मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया काउंट नोड्स नाम से जिसमें मैंने ट्री का रूट नोड पास कर दिया, मैंने चेक करा क्या मेरा रूट नोड नल तो नहीं है, अगर नल हुआ तो मैं सिंपल रिटर्न जीरो कर दूंगा और अगर ऐसा नहीं है तो मैं 1 + काउंट नोड्स ऑफ टी ऑफ लेफ्ट, मतलब मैंने दोबारा से रिकर्सिव कॉल करी उसके लेफ्ट सब ट्री पर और प्लस कर दिया बाद, मतलब उसमें प्लस करूंगा अपने राइट सब ट्री की नोड्स जो यहाँ पे ये रिकर्सिव कॉल है टी का लेफ्ट और टी का राइट, ये बेसिकली आपकी उस नोड के जितने भी लेफ्ट सब ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगी और राइट सब ट्री में नोड्स होंगी उनको काउंट करके ला देगा। कैसे लाएगा भाई, बेसिकली रिकर्सिव कॉल है बार बार भाई, जब मैंने इस नोड पे टी ऑफ लेफ्ट कॉल करा मतलब यहाँ पर आ गया
यहाँ पे बोलो, यहाँ पे दोबारा ये वाली लाइन आएगी वन प्लस, मतलब वन प्लस इसका लेफ्ट, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे दोबारा वन प्लस कुछ चलेगा। तो जब बेटा होगा गाइस, तो बेसिकली ये अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री की जितनी नोट्स होंगे टोटल उनको काउंट करके हेड नोट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये गाइस रिकर्शन वाला पार्ट है। ये मैंने अभी आपको पीछे काफी अच्छी तरह समझाया था कि कैसे, बेसिकली जब फंक्शन बताया था कि कैसे हम, जब रिकर्सिव कॉल होती है तो कैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है, तो वहां से आप इसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं। कई चीजें होगी आपका टोटल नंबर ऑफ काउंट्स का रिकर्सिव प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ लीव्स एंड इंटरनल नोड्स, मतलब आपके ट्री में कितनी लीव्स नोड्स हैं और कितनी इंटरनल नोड्स हैं, आपको वो काउंट करनी है। तो भाई उसको आप कैसे काउंट करोगे? भाई उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आप खुद बताओ, अगर नोड आपकी लीव हुई तो आप सिंपल वहां से रिटर्न वन कर दोगे। भाई अगर लीफ का क्या मतलब है, लीफ नोड की पहचान मैंने आपको बताई थी भाई, जब प्रीवियस शेडिंग करवाई थी, कि लीफ नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता, मतलब उसका लेफ्ट भी नल होगा और उसका राइट भी नल होगा। तो अगर कोई ऐसी नोड मिलती है जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल है, तो वहां से सिंपल रिटर्न वन कर दोगे। और भाई अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, हमेशा अपनी नोड के लेफ्ट सब ट्री में जाओगे और राइट सब ट्री में जाओगे, फिर दोनों को प्लस कर दोगे, मतलब लेफ्ट सब ट्री प्लस राइट सब ट्री। इससे क्या हुआ, बेसिकली ये आपका जिस आप पर्टिकुलर नोड पे हो उससे लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल कर रहा है और राइट सब ट्री के लिए कॉल कर रहा है। इससे क्या होगा, इस वाली कॉलिंग से आप अपने लेफ्ट सब ट्री में कितने नंबर ऑफ लीफ नोड्स हैं आप वो काउंट कर लोगे, और इससे जितने राइट में लीफ नोड्स हैं आप वो काउंट कर लोगे, बाद में दोनों को ऐड कर लोगे, वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं गाइस, इसको हम फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। गाइस लेट्स सपोज मैं फंक्शन बोलता हूं काउंट लीव्स नाम से, जिसे मैंने आपका ट्री की रूट नोड पास करी है। पहले गाइस बेस केस बनाते हैं, क्योंकि फंक्शन हमेशा में एक बेस केस बना होता है। तो पहले देखते हैं इफ टी इक्वल टू नल, अगर नल है तो गाइस सिंपल रिटर्न कर दो जीरो, एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा गाइस मैं लीफ नोड की। लीफ नोड की पहचान क्या है, कि अगर टी का लेफ्ट इक्वल टू नल है एंड टी का राइट भी नल है, भाई लीफ नोड वही तो होती है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, मतलब ना तो उसका लेफ्ट में कुछ होगा ना ही उसका राइट में कुछ होगा। तो आप यहाँ, क्योंकि लीफ नोड है तो आप यहाँ से सिंपल रिटर्न वन कर दोगे। और गाइस अगर ऐसा भी नहीं है तो आप सिंपली हमेशा उसके लेफ्ट में जाओगे, काउंट लीव्स फंक्शन को आप दो रिकर्सिव कॉल करोगे उसके लेफ्ट सब ट्री के लिए, और उसके राइट सब ट्री के लिए जो भी होगा दोनों को आप बाद में ऐड कर दोगे, आपका वही आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लीव्स नोड्स। बेसिकली कर क्या रहा है गाइस, ये हमेशा जैसा आपका ये ट्री है तो इसमें लीफ नोड यही चारों पर है, तो अगर मैं इस वाली नोड पर हूं तो मैंने क्या करा, इस लाइन से मैंने उसके लेफ्ट वाले को कॉल करा और राइट को कॉल करा, मतलब जब लेफ्ट को कॉल हो फिर ये दोबारा अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, जब यहां से देखेगा ये कि रिटर्न वन करा तब ये इसको वन रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों लाइन से क्या हो रहा है कि ये हमेशा नोड, एक नोड अपना लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को कॉल कर रही है, और कॉल करने के बाद जो रिजल्ट रिटर्न करेगी वो क्या रिटर्न करेगी, कि उस नोड के लेफ्ट में और राइट में कितने नंबर ऑफ लीफ नोड्स हैं उन दोनों का काउंट कर देगी, और बाद में दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमें टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स मिलेंगे आपके ट्री में। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका बेसिकली सिंपल कि कैसे हमने आपकी लीफ नोड काउंट कर ली है। ठीक है, यहां से आप रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न लगा देना रिटर्न, अगर अभी पीछे काउंट नोड्स वाले विषय में गाइस रिटर्न भूल गया था तो वहां पर रिटर्न लगा सकते हो, एक सिंपल है गाइस, आप भी समझ जाओगे, क्योंकि अगर रिटर्न लगाओगे तो ये रिटर्न कैसे करेगा वैल्यू को, फिर तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है,
अब देखते हैं गाइस, ये तो हो गया आपका लीफ नोड के लिए। अब देखते हैं गाइस इंटरनल नोड कैसे काउंट करेंगे। गाइस इंटरनल नोड की बात करूं तो आप खुद बताओ, जहां पे आपने वन डन करा था वो आपने लीफ नोड के लिए डन करा था, मतलब अगर वो लीफ नोड नहीं है तो, अगर वो लीफ नोड है और आपको अगर इंटरनल नोड काउंट करनी है तो आप वहां पे वन डन ना करके आप सिंपल वहां पे जीरो डन करोगे। भाई मैंने अभी इससे पहले वन एंड इसलिए करी थी क्योंकि मुझे आपकी ट्री में लीफ नोड काउंट करनी थी, बट यहाँ पे तो मुझे इंटर नोड काउंट करनी है। और अगर मुझे कोई ऐसी नोड मिलती है जिसका ना ही तो लेफ्ट साइड है ना ही राइट साइड, मतलब वो लीफ नोड है, तो मैं वहां से गाइस सिंपल एंटर कर दूंगा आपका जीरो। ठीक है, जीरो एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमने देखा था काउंट लीव्स ऑफ टी ऑफ लेफ्ट प्लस काउंट लीव्स ऑफ टी ऑफ लेफ्ट टी ऑफ राइट, ये क्या कर रहा था बेसिकली, ये उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लीफ नोड काउंट करना कंटिन्यू कर रहा था। बट क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरनल नोड काउंट करनी है गाइस, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको सेम ही, बस क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर टर्न जीरो हो रहा है तो मुझे नीचे वन प्लस करना होगा। वन प्लस किस लिए, वही बात जैसे काउंट ऑफ नोड्स की बात थी, भाई मैंने इसके लेफ्ट में टर्न काउंट कर लिया, इसके राइट में काउंट कर लिया, बट जो ओरिजिनल रूट नोड थी मैंने उसको काउंट कराई नहीं, तो मुझे उसके लिए वन ऐड करना पड़ेगा। इससे पीछे वाले प्रोग्राम में मैंने वन ऐड नहीं करा था क्योंकि मुझे लीफ नोड काउंट करनी थी। जब लीफ नोड काउंट करनी थी तो मुझे वो वहीं से सिंपल टर्न वन करना था, और कभी भी आपके रूट नोड तो लीफ नोड नहीं हो सकती भाई, अगर रूट नोड ही लीफ नोड है इसका मतलब उसमें एक ही नोड है, तो आपका सिंपल ऐसे रिटर्न वन कर ही देगा। ठीक है, वन प्लस काउंट इंटरनल टी ऑफ लेफ्ट प्लस काउंट इंटरनल टी ऑफ राइट, सिर्फ इतना सा अंतर है गाइस आपके लीफ नोड और इंटरनल नोड काउंट करने के लिए। क्या अंतर है, लीफ नोड में गाइस यहाँ पे सिंपल वन था और यहाँ पे वन नहीं था, ठीक है, और इंटरनल नोड में क्या हो गया, यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ पे गाइस तुमने वन ऐड कर दिया। क्यों बनाया गया, मैंने इसका आपको अच्छी खासी अच्छी तरह समझा दिया है, अगर नहीं समझ आएगा दोबारा वीडियो देखें, आपको खुद समझ आएगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो गाइस इस वीडियो में बेसिकली हमने तीन फंक्शन देखे मेजर, एक तो हम कैसे काउंट करेंगे कि आपकी ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, कैसे काउंट करेंगे कि आपकी ट्री में लीफ नोड और इंटर नोड कितनी है। ठीक है गाइस, ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कंपनी में काफी पूछे जाते हैं और कंपनी एग्जाम में भी गाइस काफी बार ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, अभी नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। गाइस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।